इसमें एक प्रॉब्लम है, कस्टमर ने जो एसी जो आया है पुराना एसी खोल के दिल्ली से, तो इंडोर का जो प्लेट है वो लाना भूल गया है, तो मैं इसमें लगाऊंगा यूनिवर्सल प्लेट। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं अल्फाज और आप लोग देख रहे हो अल्फाज एयरकॉन। बहुत सारा कमेंट आया था मेरा यूट्यूब में कि सर आप इंस्टॉल का वीडियो दिखाइए, लेकिन बहुत दिन बाद एक इंस्टॉल का काम आया है, तो इंशाल्लाह आज मैं दिखाऊंगा इंस्टॉल का पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। ये जो एसी है ये है कैरियर का डेड टन का इन्वर्टर एसी, ये इंडोर है और ये इसका आउटडोर है। इस एसी को आज मैं इंस्टॉल करूँगा इंशाल्लाह। ये एसी इधर इंस्टॉल होगा, चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आउटडोर कहाँ इंस्टॉल होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आउटडोर इधर लगेगा, आउटडोर को इधर लगाऊंगा। इंडोर लगेगा थर्ड फ्लोर पे और आउटडोर लगेगा मतलब उसके ऊपर एक फ्लोर है फोर्थ फ्लोर, उसके ऊपर छत है, तो छत पे आउटडोर लगेगा, तो मतलब 24 फीट पाइप लगता है। तो मैं पाइप लेकर आ चुका हूँ, अभी बारिश का टाइम है, तो मैं पहले क्या करूँगा आउटडोर को इंस्टॉल कर लूँगा, क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रहा, उसके बाद मैं जाके इंडोर इंस्टॉल करूँगा, फिर करूँगा पाइपिंग। तो फ्रेंड्स अभी मैं आउटडोर फिट कर लूँगा, लेकिन उसका मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। आउटडोर एंगल फिटिंग का वीडियो मैं अलग से मैं एक वीडियो में लाऊँगा, एंगल फिटिंग के बाद एसी लगाने के बाद मैं फिर वीडियो लाऊँगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आउटडोर का एंगल फिट हो चुका है, अभी मैं आउटडोर को इसके ऊपर बिठाऊँगा। देखिए फ्रेंड, अभी आउटडोर फिटिंग हो चुका है, अभी इंडोर जाऊँगा, इंडोर को इंस्टॉल करूँगा। तो फ्रेंड अभी इंडोर में आ चुका हूँ, अभी पहले इंडोर फिट करूँगा, लेकिन फिट करने का पहले होल जो है एसी का जो होल जिधर से पाइप निकलता है, मैं लेफ्ट हैंड साइड से मैं होल करूँगा। आप लोग चाहे तो पहले प्रेल लगाने के बाद होल कर सकते हो, लेकिन मैं पहले होल कर लेता हूँ इसके लिए, क्योंकि अगर मैं पहले प्रेल लगा लिया उसके बाद होल करने का टाइम देखा है कि उसमें बीम आ गया या कनेक्शन वायर आ गया, तो क्या होगा, होल ऊपर नीचे होगा, तो फिर प्लेट को भी खोल के ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले क्या करूँगा, पहले होल कर लूँगा, होल करने के बाद फिर प्लेट लगाऊंगा। मैं जो होल करूँगा ये वाला जो बीट है कोर कटिंग का, इससे होल करूँगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, कस्टमर ने जो एसी जो आया है पुराना एसी खोल के दिल्ली से, तो इंडोर का जो प्लेट है वो लाना भूल गया है, तो मैं इसमें लगाऊँगा यूनिवर्सल प्लेट। तो पहले एसी को नाप लेता हूँ। देखिए एसी है 38 इंच, मतलब इसमें जो आधा होगा ये होगा 19 इंच। तो विंडो का सेंटर कर लेता हूँ, विंडो है 59 इंच, तो मतलब इसका आधा होगा 29.5 इंच, ये है 29.5, तो ये है सेंटर, ये हो गया विंडो का सेंटर। तो हमारा 6 इंच होता है ढलाई का, तो मैं नीचे से 6 इंच छोड़ देता हूँ, ये हो गया 6 इंच। अभी सेंटर को थोड़ा ऊपर तक ले लेता हूँ वाटर लेवल के माध्यम से। यह हमारा आगे इधर सेंटर, एसी जो है वो 38 इंच का है और आधा होता है 19 इंच, तो मेरा होल जो होगा 19 इंच के अंदर, ये देखिए ये 19 इंच, तो मतलब मेरा एसी आएगा इतना दूर तक मेरा एसी आएगा और होल होगा इस जगह पे, होल ऐसा होगा। मैं थोड़ा एक इंच छोड़ दिया हूँ, छोड़ देने के बाद मैं इधर होल करूँगा। तो फ्रेंड चलिए होल कर लेते, और मैं होल जो करूँगा बाहर साइड थोड़ा मैं डाउन रखूँगा ऐसा, अगर मैं पानी डालूँगा इधर से तो पानी बाहर गिरना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, ये जो प्लेट है एसी का जो बॉटम है, बॉटम से मैं माप लेता हूँ, तो देखिए बॉटम से जो है वो 4 इंच है, 4 इंच, तो मैं 4 इंच का ऊपर में मैं प्लेट लगाऊंगा। इसको सेंटर में रखा वाटर लेवल को, ये हमारा आ गया बॉटम, ये आ गया बॉटम, बॉटम से 4 इंच ऊपर प्लेट लगेगा, तो ये हमारा 4 इंच है, तो इसका मतलब इधर से प्लेट लगेगा। प्लेट लगेगा ऐसा, अभी मैं माप लेता हूँ होल करने के लिए,
ये मेरा एक माप हो गया। ये जो ऊपर जो प्लेट का जो नाप लिया था नीला से, इसको मैं लेवल कर लेता हूँ। ये आ गया लेवल। अभी देखिए दो प्लेट का जो बीच में जो गैप है सेंटर में ले लेता हूँ 22 से थोड़ा काम इधर तक। देखिए इधर तक मैं मार्कर लगा लेता हूँ। देखिए ए सेंटर है तो ए मैं सेंटर रखूँगा, दोनों जो प्लेट है प्लेट का बीच का हिस्सा। ये देखिए ये सेंटर है प्लेट का, तो वो प्लेट का सेंटर से जो मेजरमेंट है मैं कर लेता हूँ ये सेंटर से। और ये देखिए जो नाप लिया था ये होगा सेंटर, दिख रहा है ये होगा सेंटर, ये सेंटर होगा। तो देखिए फ्रेंड ये है सेंटर, तो सेंटर को मैं थोड़ा सा नाप लेता हूँ और जो बॉटम है प्लेट का उसको भी मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। बस ये आ गया मेरा बॉटम, ये है बॉटम, ये है सेंटर, तो इसको मैं थोड़ा सा माप ले लेता हूँ ठीक से। देखिए 2 इधर एक लगा लेता हूँ, 3 और इसमें और एक लगा देता हूँ, 4 में होल करूँगा। लेकिन ये प्लास्टिक वाला करता हूँ, इसमें काम आसान होता है, खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है। देखिए ये लगा लेता हूँ। तो फ्रेंड देखिए प्लेट फिट कर लिया हूँ, अभी इसी को एक बार लगा के देख लेता हूँ ठीक ठाक हुआ कि नहीं। देखिए फ्रेंड देख के तो लगा एसी ठीक ठाक हुआ है, एक बार मैं लेवल चेक कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड एसी का लेवल देखिए दिख रहा एकदम सेंटर पे है, ये देखो दिख रहा है मेरा वाटर लेवल एकदम सेंटर पे है। तो मतलब मशीन बहुत ही फर्स्ट क्लास में फिटिंग कर लिया हूँ, अभी मैं पाइपिंग करूँगा। देखिए फ्रेंड्स दूर से भी एक बार देख लीजिए एकदम बहुत ही अच्छा फिटिंग हुआ है, पूरा एकदम सेंटर पे है एसी। अभी मैं पाइप का मेजरमेंट कर लेता हूँ, मतलब हाफ का पाइप और वाटर का पाइप कहाँ तक छोड़ना है कहाँ तक आना है। ये देखिए नाट है, ये नाट लगा हुआ है, लेकिन मतलब मेरा क्वार्टर का पाइप मेरे को इधर तक चाहिए। ये क्वार्टर हो गया और हाफ इंची का देखिए ये, तो हाफ इंची का पाइप मेरे को इधर तक चाहिए। हाँ तो मैं इधर तक लूँगा क्वार्टर पाइप और इधर तक लूँगा हाफ का पाइप। फ्रेंड देखिए मैं पाइप का मेजरमेंट कर लेता हूँ, जो बैंड मारूँगा मैं वो मैं मेजरमेंट कर लेता हूँ। तो होल का सेंटर से लेता हूँ, ये होल का सेंटर से, और जो दूर वाला मतलब हाफ का देखिए 17 इंच है, 2 इंच ज़्यादा ले लेता हूँ, 20 इंच कर लेता हूँ। इन्हें मान लेता हूँ 20 इंच, और मेरा वॉल 11 इंच का है, 10 इंच का है, तो मैं वॉल को कर लूँगा 12 इंच, मतलब मेरे को 32 इंच चाहिए। वॉल का पीछे साइड से इधर तक मेरे को चाहिए 32 इंच, इधर से 20 इंच, ये वाला 20 इंच और वॉल 12 इंच, तो 32 इंच टोटल मेरे को चाहिए इधर तक। तो फ्रेंड पाइप को मैं पहले सीधा कर लेता हूँ। तो फ्रेंड मैं इंडोर में नाप लिया था, मेजरमेंट मिला था 32 इंच इंडोर का पाइप, वॉल और इंडोर का पाइप मिला के मैं माप लूँगा ये स्प्रिंग बेंडर का सेंटर से 33 इंच। अभी मैं इसको थोड़ा बैंड मार लेता हूँ, किधर भी आपको जैसा मर्जी, तो मैं इधर में बैंड मार लेता हूँ। देखिए ये बैंड हो गया,
ये मेरा वॉल का अंदर से इंडोर तक जाएगा। देखिए फ्रेंड, इधर मेरे को 2 फीट एल देना पड़ेगा क्योंकि वो पोजीशन ऐसा ही है, मेरे को 2 फीट एल देना पड़ेगा। अगर मैं एल नहीं दूंगा तो क्या होगा, बारिश का पानी अंदर चला जाएगा। तो ये है 2 फीट, तो इसका मैं इसको थोड़ा एल दे देता हूँ, तो इसमें क्या होगा, बारिश का पानी अंदर नहीं आएगा। अगर आपका आउटडोर ऊपर है, इंडोर नीचे है, तो ज़रूर पाइप में यू या एल दे देना। अगर यू या एल नहीं देंगे तो क्या होगा, बारिश का पानी पाइप में गिर के और मशीन के अंदर चला जाएगा, तो जब भी बारिश होगा तभी पानी गिरेगा। तो फ्रेंड, अभी मैं रैपिंग कर रहा हूँ इंसुलेशन लगाने के बाद। रैपिंग करने का टाइम एक चीज़ ध्यान देना है, अगर आउटडोर ऊपर रहेगा, मतलब कंडेंसर साइड ऊपर रहेगा, तो आपको रैपिंग करना है इंडोर का साइड से, नहीं तो क्या होगा, बारिश का पानी रैपिंग के अंदर घुस जाएगा। देखिए अभी ये हमारा इंडोर साइड है और ये आउटडोर साइड है, तो ये ऊपर रहेगा, अगर बारिश का पानी क्या होगा, ये रैपिंग से ऐसा ऊपर 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 होकर गिर जाएगा। ये चीज़ ध्यान देके, अगर आउटडोर ऊपर है तो इंडोर का साइड से रैपिंग करना है, नहीं तो क्या होगा, ये रैपिंग 2-3 साल के अंदर ख़राब हो जाएगा। रैपिंग हो चुका है, रैपिंग के बाद मैं वायर को मैं अलग से रखा हूँ, इसलिए बहुत सारा कमेंट आ सकता है कि आपने रैपिंग करने के पहले वायर को भी रैपिंग कर लेना चाहिए। लेकिन इसमें बहुत बार प्रॉब्लम दिखा गया, क्या है, अगर वायर कभी अगर जल गया या ब्रेक हो गया तो क्या होगा, फिर से नया वायर लगाना पड़ेगा। ये वायर मैं हर जगह में बाहर ही देता हूँ, अगर आप लोग चाहते हो तो रैपिंग के अंदर भी वायर दे सकते हो, मेरे को ठीक नहीं लगता। कभी कभार शॉर्ट सर्किट के अंदर ना, अगर मैं इसको ऊपर दूंगा तो क्या होगा, पंप सब जला देगा, पाइप को होल कर सकता है। तो इसके लिए मेरा हिसाब से, मेरा आइडिया है, मैं वायर को अलग से देता हूँ, तो आप लोगों का जैसा मर्जी, आपको लाएगा तो अंदर से दो या बाहर से दो, उसमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं। तो फ्रेंड देखिए, आउटडोर का काम कर लिया हूँ, अभी मैं इंडोर में जाऊँगा, इंडोर में जाके इंडोर को फिट करूँगा। पूरा नीचे से पाइपिंग आया है, आखिरी इधर मैं थोड़ा राउंड करके ले लिया हूँ, अब ये फिटिंग हो गया है, अभी इंडोर में जाऊँगा, इंडोर को फिट करूँगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इंडोर में आ चुका हूँ, इंडोर पाइप को बैंड करूँगा, लेकिन बैंड करने के पहले जो स्प्रिंग है इसको मैं अंदर घुसा देता हूँ, चला गया, अभी इसको मैं आराम से बैंड कर लेता हूँ। देखिए कितना अच्छा बैंड हो गया, ठीक है, क्वार्टर मेरा नीचे रहेगा, नीचे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी स्प्रिंग को खींच लेता हूँ। ठीक, मैं टाई से इधर तक बांध देता हूँ, मैं जो पाइप का जो मेजरमेंट लिया था हाफ और क्वार्टर, मैं इतना दूर तक हाफ और क्वार्टर पाइप को काट लूँगा। इसको मैं बीच से फाड़ देता हूँ, अभी हाफ और क्वार्टर पाइप को काट लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये है क्वार्टर पाइप, तो मैं इधर तक मैं काट लेता हूँ क्वार्टर पाइप को। ये क्वार्टर आ गया, अभी हाफ का पाइप मैं काट लेता हूँ, हाफ का पाइप को। काट लिया हूँ, तो फिर देखिए मैं पाइप को मेजरमेंट करके काट लिया हूँ, अभी मैं नट लगा के फ्लेयर नट लगा के फिर फ्लेयर करूँगा, फिर एसी को इंस्टॉल करूँगा। अभी ये फ्लेयर हो गया है, अभी मैं एक बार फ्लश कर लूँगा, फ्लश करने के बाद इंडोर को फिट करूँगा। ठीक है फ्रेंड, अभी इंडोर को फिट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, मैं प्रेशर छोड़ के आउटडोर में लीक भी चेक कर लिया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस नट में लीकेज नहीं है। तो फ्रेंड देखिए, मैं कनेक्शन कर लिया हूँ, जो लाइन न्यूट्रल और एस इन्वर्टर एस है, तो एस दिया हुआ है, लाइन में रेड दिया हूँ, न्यूट्रल में ग्रीन दिया हूँ, और एस जो है वो पीला वाला दिया हूँ, और जो हरा वाला है वो अर्थिंग का तो दिख ही रहा। ठीक है, अभी आउटडोर में जाऊँगा, आउटडोर का कनेक्शन करूँगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आउटडोर का कनेक्शन कर लिया हूँ, लाइन न्यूट्रल एस उधर पर मैं जैसे दिया था इंडोर में, इधर भी ऐसा ही दे दिया हूँ। ठीक है, और अर्थिंग जो है वो बॉडी में लगा दिया हूँ। जो लीक चेक करने के लिए जो गैस दिया था, वो गैस को मैं रिलीज करूँगा, फिर वैक्यूम करूँगा, वैक्यूम करके फिर जो जितना गैस है वो छोड़ दूँगा, फिर मशीन चालू करूँगा। लेकिन मैं वैक्यूम का वीडियो मैं इसमें नहीं लाऊँगा, इसलिए कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा,
और एंड स्क्रीन में आएगा गैस चार्जिंग का वीडियो, उसमें देख लेना, उसमें मैं अच्छे से बताया हूँ वैक्यूम कैसे किया जाता है। वैक्यूम करके आउटडोर का जो गैस है वो मैं ओपन कर लिया हूँ, अब एसी को चालू करूँगा, चालू करके कूलिंग चेक करूँगा। तो फ्रेंड्स इधर का काम कंप्लीट हो चुका है, आशा करता हूँ मैं आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से समझा पाया। अगर कोई भी मन में सवाल रहेगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता आप लोगों से एक दूसरा वीडियो में। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।